उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार किसकी बन रही है बताओ, आप मत बोलो, अरे आप मत बोलो, मैं पूछने वाले पूछ रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार किसकी बन रही है, जोर से बताओ, योगी जी बन रही है, जब योगी जी की सरकार बन रही है तो संभल के अंदर एमएलए किसका होना चाहिए, समाजवादी पार्टी का, बसपा का या भाजपा का, यदि भाजपा का एमएलए होगा तो विकास की गंगा बहाई जाएगी, और यदि धोखे से आपने गलती कर दी, यदि धोखे से आपने गलती कर दी और आपने मुझे नहीं चुना, किसी दूसरे को चुन लिया, तो वह होमगार्ड वाली स्थिति हो जाएगी, इसको होमगार्ड उसकी कोई औकात नहीं रहेगी, सरकार हमारी होगी उसकी कोई औकात नहीं रहेगी, इसलिए आप सब लोग मिलजुल कर आने वाले इस संबल को मजबूत करने के लिए, संबल के विकास के लिए आने वाली 14 तारीख को कमल के फूल पर बड़े लगाकर मुझे भारी बहुत से विजय बनाए, यदि आपने विजय बनाने का काम किया तो मैं आपके लिए और सेवा करूंगा, क्योंकि परसों माननीय योगी जी का भी फोन आया था मेरे पास, उन्होंने कहा चिंता मत करो नरेंद्र सिंह जी, आप जीत कर आइए, हम आपके स्वागत के लिए तैयार बैठे हैं लखनऊ के अंदर, उन्होंने इशारा कर दिया, उन्होंने इशारा कर दिया कि आप जीत कर आइए, हम स्वागत के लिए तैयार बैठे हैं, यानी कि यदि आपने मुझे विधायक बनाया तो यहाँ पर मुझे मंत्री बनाने से मिल पाएगी, जब मैं मंत्री हूंगा तो संभल के अंदर हर गरीब हर मोहल्ले, चाहे वो हिंदुओं के हैं, चाहे मुस्लिम भाइयों के हैं, चाहे सिखों के हैं, चाहे ईसाइयों के, किसी जाति धर्म के लोगों के हैं, मैं बराबर सबका साथ सबके विकास के आधार पर, जैसे हमारी सरकार काम कर रही है उसी आधार पर हम लोग काम करेंगे, और मैं इसी धर्म में आए हुए आते हुए अपने भाजपा के वरिष्ठ नेता और हमारे हमारे महाध्यक्ष जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, धन्यवाद।